हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक ट्रिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपसे दूर रहकर अब आपके सच्चे प्यार को समझे हैं या अभी भी उनका यही हाल है। ये चीजें जानने की कोशिश करेंगे। जो भी आपने अपने पर्सन के लिए करा, जितना भी प्यार उन्हें आपने दिया, तो क्या उन्हें उस चीज का एहसास, उस चीज की कमी हो रही है या अभी भी नहीं, ये चीजें देखेंगे। ठीक है गाइस, जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड, अनमैरिड कोई भी पर्सन रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होने जा रही है। लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है, यानी कि जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कुछ कुछ मामलों में जो एनर्जीज होती हैं वो वाइस वर्सा हो सकती है। यहाँ पर ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या आपके पर्सन आपसे दूर रहकर आपके सच्चे प्यार को समझे हैं या नहीं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और डिवाइन, प्लीज आके एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आके एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। इंटेंसिटी, हीलिंग, गिल्ट, एक्सिस्टेंस, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। क्या व्यूअर्स के सच्चे प्यार को समझे हैं उनके पार्टनर? माइंड, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। क्या मेरे व्यूअर्स के प्यार को समझे हैं उनके पर्सन या अभी भी नहीं समझे हैं? दूर रहकर क्या वो समझे हैं प्यार की कदर? गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। फाइटिंग, देखिए गाइस, सबसे पहली चीज तो मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा गिल्ट वाली लाइफ जी रहे हैं, जिसमें इन्हें ना अपने ही करे हुए का पछतावा हो रहा है, अपने ही करे हुए पर रो रहे हैं। यहाँ पर ये चीजें तो है, और अपने इस करे हुए के मामले में ना अपने दिमाग से, अपने दिमाग की सोच से काफी ज्यादा लड़ाई करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अपने आप को मनाने की, अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आप लोगों के सिचुएशन में हुआ ना, इसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। ये चीजें दिख रही है, यानी कि इन्हें खुद से एहसास तो है कि इन्होंने आपका दिल दुखाया, आपकी लाइफ से चले गए, लेकिन अपने आप को समझाने में भी इन्हें वक्त लग रहा है। ये कहीं ना कहीं समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के दिमाग में ये गिल्ट और ये फाइटिंग इस लेवल तक मुझे दिखाई दे रही है कि ये अपने आप को हील भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अपने आप को हील करने की बेंतहा कोशिश कर रहे हैं, और ये सब चीजें इस एनर्जी से, ये जो दिमाग में इतनी घसर पसर चल रही है ना, इस एनर्जी से काफी तेजी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेंसिटी से इस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीजें दिख रही हैं। अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अच्छा अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक नए लेवल से, यानी कि रूट से। ये चीजें भी यहाँ पर है, तो इस मामले में काफी इंटेंसिटी चाहते हैं और इस एनर्जी से आपके पर्सन करंट में निकलना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है आपके पर्सन के साथ? सडनली गिल्ट से निकल रहे हैं, अपने थॉट से लड़ रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, और दिमाग में इतनी सारी घसर पसड़ क्यों चल रही है? इन सबको क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन चीजों को क्लैरिफाई करते हैं और उसके बाद इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। गाइड कीजिए यूनिवर्स और डिवाइन, प्लीज आके एंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन को आखिरकार किस चीज का यहाँ पर गिल्ट है? गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए किस चीज से ये काफी ज्यादा लड़ रहे हैं? गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए किस तरह के थॉट्स हैं? 1, 2, 3, 4
फोर ऑफ सोर्ड्स, प्रिंस ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड एट ऑफ कप्स। देखो गाइस, यहाँ पर आपके पार्टनर को गिल्ट है, सॉरी मैं एनर्जीज बतानी भूल गई, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि और लियो की एनर्जी। यहाँ पे आप लोगों के लिए नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगस्त मंथ, तो किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेट कर सकता है। जैसे हो सकता है आपका रिश्ता 8 साल का था, 8 महीने से आपके पर्सन ने आपसे कोई बात नहीं करी, आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया, या ये जो मंथ था आपको छोड़कर जाने का, आपसे मूव ऑन करने का, ब्रेकअप करने का, वो मंथ इनका अगस्त मंथ था, यहाँ पर ये चांसेस है। या फिर ये भी हो सकता है आपका बर्थ मंथ, आपके पर्सन का बर्थ मंथ, आप लोगों की एनिवर्सरी, आप लोग मिले थे, आप लोग बिछड़ गए थे, आप लोगों में ब्रेकअप हो गया था, इस तरह से नंबर्स और ये मंथ आपसे रिलेट करते होंगे, जो किसी किसी से ही होगा, सभी लोगों से नहीं होगा। तो देखो गाइस, यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन ने तो आपको चीट करा है विद इज द फोर ऑफ सोर्ड्स कार्ड, आपकी लाइफ से ये कट हो गए, आपको चीट करा इन्होंने, तो ये कहीं ना कहीं आपको जो इन्होंने चीट करा, आपसे जो ब्रेकअप खुद से लिया और आपकी लाइफ से जो इन्होंने मूव ऑन करा ना, उन चीजों का इन्हें गिल्ट हो रहा है, उस थॉट से ये लड़ रहे हैं, यहाँ पर ये चीजें दिख रही है, और ये इस थॉट से निकलने की बेनतहा कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ये भी क्लियर हो जाता है स्ट्रेंथ कार्ड से, बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं ताकि इस एनर्जी से, गिल्ट वाली, पछतावे वाली एनर्जी से निकल जाए, और इन्हें गिल्ट क्यों हो रहा है आपकी लाइफ से जाने का और आपको खोने का, विद इज द प्रिंसेस ऑफ कप्स, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि इन्हें कहीं ना कहीं आपको खोने का, आपकी लाइफ से जाने का, उस निर्णय को लेने का पछतावा हो रहा है, उस निर्णय पे आज इनके दिमाग में काफी तूफान चल रहा है, और इन्हें रह रहकर आपकी याद आ रही है, आप कितने अच्छे थे, कितने प्यारे थे, इनके लिए सब कुछ करने वाले थे, इनके लिए इनकी फीलिंग्स, जो ये दर्द में, परेशानी में जब भी होते थे, वो सब आप बहुत अच्छे से सुनते थे, यानी कि परफेक्ट टाइप के आप पार्टनर थे इनकी लाइफ में, तभी इन्हें यहाँ पर गिल्ट हो रहा है। तो गाइस देखो, इस चीज से ये पता चलता है कि आपके पर्सन को दूर रहकर आपके इसी सच्चे प्यार को समझ पाए हैं ये, इसीलिए इन्हें गिल्ट हो रहा है और इसी प्यार को ये समझ पाए हैं, यहाँ पर यही चीज मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि ये हील और माइंड के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, अब ये किस मामले में अपने आप को हील करना चाहते हैं और किस तरह से ये अपने आप को हील कर रहे हैं, अपने आप को इस थॉट से कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपके पर्सन अपने करे हुए पे तो पछता रहे हैं गाइस, और अपने करे हुए की वजह से ही काफी डिस्टर्ब भी हैं यहाँ पे। 1, 2, 3, 4 द मून, द हर्मेट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो देखिए गाइस, यहाँ पे पहले मैं एनर्जीज आपको बता देती हूँ, यहाँ पर आया है आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वर्गो की एनर्जी है, पाइसिस एनर्जी है, और हैंग्ड मैन आपकी पाइसिस की एनर्जी अगेन आई है। तो देखो गाइस, यहाँ पर आपके पर्सन डेफिनेटली अपने आप को हील तो करना चाह रहे हैं, और हील करने के लिए सबसे पहली चीज तो ये कर रहे हैं, अपने आप को प्रैक्टिकल, अपने इमोशंस की ना सुनकर अपने लॉजिक्स को ज्यादा देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हैं अपने, ताकि अपने आपको शांत कर सके, इस गिल्ट वाली एनर्जी से निकाल सके, कि उस वक्त जो इन्होंने आपसे डिसीजन लिया था उसकी वजह कुछ और थी, उस वजह को ये बार बार सोच रहे हैं, यहाँ पर ये चीज है, वजह कोई भी हो सकती है, जो भी वजह थी ना, ये उस वजह को बार बार सोचकर अपने आप को प्रैक्टिकल करके अपने आप को हील कर रहे हैं, ये चीजें दिख रही है, तभी दिमाग में काफी ज्यादा घसर पसर चल रही है, यहाँ पर ये है, प्यार की कदर समझ में आ गई दूर रहकर, लेकिन हील कैसे करें, अपने इस इमोशंस को कैसे काबू रखें, इसीलिए बार बार वही बात सोच रहे हैं, क्यों ये आपकी लाइफ से गए, ठीक है। उसके अलग ये अपने आप को हील कर रहे हैं ये सोचकर कि अब जो भी हुआ सो हुआ, ये सिचुएशन अब बाहर जा चुकी है, कंट्रोल से जा चुकी है, दूरियां आ चुकी हैं, आप लोग बहुत दूर हो चुके हो, डिस्टेंस आ चुकी है, किनारे बन गए हो एक नदी के दो, ऐसा सोचकर अपने आप को हील कर रहे हैं, यानी कि ओवरऑल अपने आप को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द हर्मिट का कार्ड ये बता रहे हैं, दूरियां बना रहे हैं आपसे, ताकि ये जो आपकी अब कदर समझ गए हैं, आपके प्यार को जो
सच्चे प्यार को जो समझ गए हैं ना, वो आप तक ना पहुंच जाए। इसीलिए अपने आप को हर्मिट मोड पे डालकर आपसे दूरियां बना रहे हैं, ये चीजें दिख रही है। ओवरऑल ये जो इनका नाटक चल रहा है ना, ये हर्मिट मोड पे डालना, सरेंडर कर देना सिचुएशन को, ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि ये अपने आप को हील कर सके, अपने आप को समझा सके, अपने आप को किसी और की नजरों में झुका हुआ ना देख ले, या आपके सामने ये झुक ना जाए, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप को हील करने के लिए इनके मुझे यहाँ पर ये तरीके नजर आए हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को ये काफी इंटेंसिटी से सॉल्व करना चाहते हैं। 1, 2, 3, 4, 6 of Pentacles, the Fairy Light, 5 of Cups and 10 of Swords. यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि और सजिटेरियस की एनर्जीज आई है। देखो गाइज, बेसिकली ना आपके पर्सन ने आपके साथ पास्ट में तो बहुत गहरे घाव दे दिए आपको, बैकस्टेप करा आपको, चीट करा आपको और विश्वासघात करा इन्होंने, ये चीजें दिख रही है मुझे। रिश्ता इन्होंने कहीं ना कहीं खराब करा है, यहाँ पर ये है, कहीं ना कहीं इन्होंने ही आपको गिव अप दिया, इन्होंने कोई एफर्ट नहीं करा इस रिश्ते में, ये चीजें दिख रही है। तो प्रॉब्लम है ये कि आपके पार्टनर ने आपको, आपके प्यार को, जो आपने इन्हें सच्चा प्यार दिया था, उसको खुद से लात मारी है, खुद से इन्होंने आपको दूर करा है। आप लोगों के साथ ब्रेकअप, डाइवोर्स या सेपरेशन जैसी जो सिचुएशन आई है, तो ये प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। अगेन 5 of Cups का कार्ड, जिस चीजों का ना इन्हें खुद गिल्ट हो रहा है, जिस चीज का इन्हें खुद पछतावा हो रहा है, जो आज इन्हें एक प्रॉब्लम लग रही है, उस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करना चाहते हैं और वो भी काफी इंटेंसिटी से, ये चीजें दिख रही है। अगर ये सॉल्व नहीं करना चाहते या आपके सच्चे प्यार को नहीं समझते, तो ये दो कार्ड्स भी यहां पर नहीं आते, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके सच्चे प्यार को समझ गए हैं, ये कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि रिश्ता, प्यार, एक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है। रिलेशनशिप का मतलब होता है जब दोनों तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होता है, जितना दूसरा पर्सन दे रहा है उतना आपको भी बदले में देना पड़ता है, वो एक रिलेशनशिप होता है। गाड़ी सिर्फ एक पहिए से नहीं चल सकती, दोनों पहिए का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, इस मामले को ये समझ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीजें समझ में आ रही है कि आप लोगों के रिश्ते में ना सिर्फ और सिर्फ आप दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आप एफर्ट कर रहे थे, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, आप बनाए रख रहे थे रिश्ते को। तो इसीलिए ना ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं काफी इंटेंसिटी से। आपके पार्टनर शायद ना आपके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में ही नहीं थे, एज इन आप इन्हें तरीके बता रहे थे कि आप ये कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, एफर्ट ऐसे डाल सकते हो, ये उन चीजों में ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे। हो सकता है आप इन्हें काफी ज्यादा तरीके भी बता रहे हो, लेकिन ये उन सब चीजों को के लिए तैयार नहीं थे। तो अब ये उसी प्रॉब्लम को इंटेंसिटी से सॉल्व करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, उसके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना, आपके साथ रीयूनियन करना, आपके साथ रिश्ते में बैलेंस करना, दोनों बैलेंस को बताते हैं, तो वो करना चाहते हैं, यहाँ पर ये चीज दिख रही है मुझे। यहाँ पे गाइस ये दिखाई दे रहा है, देखो आपके पर्सन जब आपके साथ रिश्ते में थे ना, इनकी ईगो बहुत ज्यादा थी, यानी कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ रिश्ते में थे जिसमें आप बहुत एफर्ट करते थे, आप मेहनत करते थे, और इनका ये था ये आपको मान सम्मान उस नजरिए से नहीं देते थे, या आपको उस पॉइंट पे आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे जितना आप कर रहे थे, ये चीजें मुझे दिख रही हैं। और आज की डेट में ये उसी चीज को ना बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं, वो भी काफी इंटेंसिटी से, उस मामले में काफी ज्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। तभी यहाँ पर आपके पर्सन आपके सच्चे प्यार को समझे हैं, इन चीजों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। व्यूअर्स के पर्सन किन चीजों के प्रति बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, गाइड कीजिए, बस बताइए। 2, 3, 4, 9 of Swords, 3 of Pentacles, 4 of Wands and 2 of Swords.
देखिए गाइस यहाँ पे आया है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या एंड मकर राशि, एरीज लियो एंड सजिटेरियस, मेष सिंह एंड धनु राशि। तो मुझे यहाँ पर ये चीजें तो दिखाई दे रही है गाइस। देखो आपके पर्सन ना बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत परेशान है, इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है आपकी तरफ बढ़ने का, आपके साथ रिश्ते पे काम करने का, ये चीजें तो यहाँ पर है। अगेन नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, एज इन की बहुत ज्यादा डिस्टर्ब तो ये है, बहुत ज्यादा थक गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, बहुत ज्यादा दिमाग ना थक गया है, ये चीजें दिख रही है। यू कंफ्यूजन में रहना, क्लियरिटी ना होना, इन चीजों के प्रति बहुत थक गए हैं, ये चीजें हैं, ठीक है। और अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इस रिश्ते पे आपके साथ, चाहे आप कमिटेड हो या नहीं हो, इस रिश्ते पे वापस से काम कैसे करा जाए। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिश्ते पे काम करने के लिए तरीकों के मामले में, कि आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए, आपकी तरफ जो आप कहीं ना कहीं ने ऑप्शंस देते थे, बताते थे ना, तो उन्हीं चीजों पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन चीजों के प्रति पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर ये सही में ये काम करेंगे तो इन्हें वापस से आप मिल जाओगे, इनकी मैरिज लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, आप लोगों का अगर आप लोगों से कमिटमेंट का इशू था तो वो कमिटमेंट पूरा हो जाएगा, वो सपना पूरा हो जाएगा। तो उन चीजों के प्रति पॉजिटिव हो रहे हैं, उन चीजों को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आपके साथ एक कमिटमेंट, आपके साथ एक हैप्पी लाइफ, ये चीजें दिख रही है। तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर को जब आपके सच्चे प्यार के बारे में समझ में आया दूर रहकर, तभी इनकी गाड़ी ट्रैक पे आई है, ये चीजें मुझे दिख रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, ये जो भी सिचुएशन आई है इस मामले में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस मामले में, ये जो भी सिचुएशन आई है व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। हीलर ऑफ द एजेस, ऑल टाइड अप, डोर टू रोमांस, सन। देखिए गाइस आपके लिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है, पहली चीज तो आप भी दर्द में बहुत ज्यादा हो, विद इज द हीलर ऑफ द एजेस, तो आपको सबसे पहली चीज तो अपने आप को हील करना है। दूसरी चीज आपसे ये बोली जा रही है, जो आप भी अपने आप को स्टक करे बैठे हो अपने पर्सन की एनर्जीज में, उन चीजों से आपको भी आजाद होना है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, आप इनके प्रति बहुत नीडी बने रहते हो, इनसे बहुत अटैच्ड रहते हो, परेशान रहते हो, अगर आप इसी तरह से इनसे अटैच रहोगे ना, तो हमेशा आप अपने पार्टनर को चेस करते रहोगे, हमेशा उन्हें स्पाई करते रहोगे, उनके लिए रोते रहोगे और कभी भी इस दर्द वाली एनर्जी से नहीं निकल पाओगे। तो आपसे बोला जा रहा है पहले आप इन बंधनों को खोलो, अपने आप को हील करो, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ो। आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ खुद से ऑफर लेकर आते हैं, आपके दरवाजे पर खुद से आते हैं, तभी आप उन्हें एक चांस दीजिएगा, उससे पहले आप अपनी खुशियों को बिना अपने पर्सन के ढूंढना शुरू कर दीजिएगा, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं बात आ जाती है ना, भाई तुम ही रो रहे थे, तुम ही चिपट रहे थे, इसीलिए मैं आ गया, इसीलिए मैं आ गई, इसीलिए आपसे ऐसा बोला जा रहा है। तो अपनी खुशियां देखो, नीडी मत बनो, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए एंजल्स क्या कहना चाहती है मेरे व्यूअर्स से इस रिश्ते के विषय में, इस सिचुएशन के विषय में। रिकंसिडर, आपसे यही चीज बोली जा रही है, रिकंसिडर करो कि आप कब तक इस पर्सन को इसी तरह से चेस करते रहोगे, कब तक परेशान रहोगे। रिकवरी, अगेन रिकवरी, हीलर ऑफ द एजेस, अपने आप को सबसे पहले हील करो, आपको कितना दर्द मिला है, आपको कितनी तकलीफ मिली है इस सिचुएशन से, इस चीज के लिए अपने आप को हील करना है, रिकवर करना है। बी असर्टिव, पॉजिटिव जरूर रहना है कि पर्सन जरूर आएगा इस मामले में, लेकिन अपनी खुशियों को भी देखना है बिना उनके, ठीक है। टेक एक्शन, तो मैं आपको ऑलरेडी आपका एक्शन बता चुकी हूँ कि आपको क्या करना है, एक्शंस में अपनी खुशियों की तरफ बढ़ना है, अपने आप पे काम करना है, पॉजिटिव रहना है और अपने आप को हील करना है, ठीक है। आपको मैं ऑलरेडी ये चीजें बता चुकी हूँ। चलिए देखते हैं मूनोलॉजी से आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, ये चीजें देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स और डिवाइन, प्लीज आके एंजल्स, प्लीज ओनली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए।
योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आप लोगों का जो भी कमिटमेंट है ना, एक दूसरे से जो आपने लिया था या दिया था, वो टेस्ट लिया जा रहा है, स्पेशली आपके पर्सन का और आपके सच्चे प्यार का जो आपने अपने पार्टनर को दिया था। शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो आपको अपनी, आपको बोला जा रहा है, दुनिया को आपको ये दिखाना है कि आप क्या हो, ठीक है, जो आप कहीं ना कहीं भूल गए हो, आप खुद से ही भूल गए हो कि आप क्या हो, आप कैसे थे, कितने मस्त रहते थे, कितने खुश रहते थे। तो आप जब खुद ही भूल गए हो तो दुनिया को क्या दिखा दोगे। तो आपसे बोला जा रहा है पहले तो अपने आप को जानो कि आप कितने अच्छे थे, कितने प्यारे थे, खुश रहते थे, उसके बाद दुनिया को तो तभी दिखाओगे कि भाई मैं कैसा हूं या कैसी हूं। उस एनर्जी में आना है। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। जो भी आप लोगों के रिजल्ट आएगा ना, उसमें आपकी सफलता तय है। इस थॉट के साथ अपने आप पे काम पे लग जाओ, जो भी होगा मेरे अच्छे के लिए होगा और जो भी हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मैंने कभी अपने आप की खुशियों को देखा ही नहीं, मैं अब अपनी खुशियों के लिए जी रहा हूँ या जी रही हूँ। मुझे दुनिया को दिखाना है मैं क्या चीज हूँ, क्या पावर है मेरे में। इस एनर्जी के साथ आपको रहना है और दोनों सिचुएशन में आपकी सफलता होगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। कितने ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं गाइस, गाइडेंस तो बहुत ब्यूटीफुल आई है। ऊपर से पर्सन को आपकी सच्चे प्यार की कदर भी समझ में आ गई है, तो ऑब्वियसली आपकी तो यहाँ पे विन विन आउटकम ही है, हर तरह से आपको जीत ही मिली है यहाँ पे। केमिस्ट्री, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अट्रैक्शन हेयर। आप लोगों का देखिए गाइस, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाउंड है एक दूसरे के साथ, तो चीजें आपके ही फेवर में होंगी, बस पॉजिटिव रहना है, विश्वास बनाए रखना है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। तो देखिए गाइस, आपसे अभी तो एफर्ट करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन आपसे एफर्ट करने के लिए बोला जा रहा है अपने आप पे काम करने के लिए। यहाँ पे भी एक्शन, यहाँ पे भी एफर्ट, तो आपसे तो यहाँ पे काफी काम करने के लिए बोला जा रहा है। तो आप अपने आप पे काम कीजिएगा, डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास आएंगे। थोड़ा सा दिमाग से काम करने के लिए बोला जा रहा है, इमोशनल होने की बजाय। वर्थ फिटिंग वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो देखो गाइज, आपसे ये बोला जा रहा है, ये जो आप काम करोगे ना अपने ऊपर, ये एक्शन लोगे, एफर्ट करोगे, तो ये काम ना आपकी सफलता के लिए होगा। उसके बाद आप खुद बोलोगे कि ये जो मैंने वेट करा ना अपने पर्सन का, वो बेकार नहीं गया। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे तो ऑब्वियसली खराब जाएगा, लेकिन अगर आपने अपने आप पे काम करना स्टार्ट कर दिया और फिर फाइनली आपके पर्सन भी आपको मिल गए, तो आप देखिए आपकी ग्रोथ भी हो जाएगी, कैरियर वाइज भी आप उन्नति कर लोगे और आपके पर्सन रिलेशनशिप वाइज भी आप प्रोग्रेस पे होंगे। तभी यहाँ पे विन विन आउटकम आया, यानी कि ओवरऑल सारी खुशियां आपके पास होंगी, दरवाजे पे होंगी। तो आपसे बोला जा रहा है इस टाइम को वेस्ट ना करके, इस टाइम को काम करने में लगाने में ज्यादा वेस्ट करना है, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। पार्टनर को आपकी प्यार की कदर समझ में आ गई है और डेफिनेटली वो खुद से ही बढ़ेंगे, और जो कि बेहतर भी है आपके लिए भी और आप दोनों के फ्यूचर के लिए भी, कि वो खुद से आपकी तरफ बढ़े। तो गाइस, ये थी मेरी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हो। अगर रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट हो पाते हैं, तो प्लीज बताइएगा जरूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से और अच्छी अच्छी रीडिंग्स और अच्छे अच्छे टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।